मुखिया से मंत्री तक का सफर तय करने वाले इसराइल मंसूरी के गांव में जश्न। बधाइयों का ताता लीची व्यवसायी थे जनाब इसराइल मंसूरी के पिता। लंबे संघर्ष के बाद हासिल किया ये मुकाम। पसमांदा अल्पसंख्यक समाज के मंसूरी दोनों दलों के करीबी। कांटी विधानसभा बिहार। इसराइल मंसूरी बेहद नर्म वे सभी वर्गों में लोकप्रिय रहे हैं। लंबे समय तक जदयू में रहकर उन्होंने कांटी विधानसभा में अपनी पैठ बनाई। 2018 में वे राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। अति पिछड़ा दुनिया समाज यानी पसमांदा अल्पसंख्यक समाज से आने के कारण भी मंत्री पद का समीकरण उनके पक्ष में बना। मुजफ्फरपुर से उनके अलावा तीन नाम मंत्रिमंडल के लिए प्रस्तावित थे जिस पर सहमति नहीं बन सकी। दो नेताओं का पत्ता तो उनके बड़बोलेपन के कारण कटा और तीसरे उम्मीदवार इसराइल मंसूरी पर राजद व जदयू दोनों का विचार एक हो गया। कहा जा रहा है कि राजद में शामिल होने के बाद लालू व तेजस्वी यादव के गुटबुक में शामिल होने का लाभ भी उन्हें मंत्री पद के रूप में मिला। दूसरी ओर इसराइल मंसूरी जब जदयू में थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भरोसेमंद लोगों में जाने जाते थे। इसी बीच उन्होंने राजद का दामन थाम लिया लेकिन सीएम से उनकी दूरी बढ़ी नहीं। एनडीए सरकार गिरने के ठीक डेढ़ माह पहले भी इसराइल मंसूरी पता ही हवाई अड्डे के विस्तार व संचालन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने गए थे।